मैं हितेश और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको ले चलता हूँ कुछ की नगरी कसडोल। अभी इस वक्त अभी हम हैं महानदी पुल पे। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह जो महानदी आगे जाके त्रिवेणी संगम अर्थात शिवरीनारायण में जाके मिल जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको कसडोल से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कसडोल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है। बलौदाबाजार से 30 किलोमीटर की दूरी पर सारंगढ़ रोड पर स्थित है। कसडोल एक विधानसभा क्षेत्र है और यह सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। अभी वर्तमान में यहाँ के जो विधायक है सुश्री शकुंतला साहू जी है और यहाँ आपको लेफ्ट साइड है कसडोल का पुलिस थाना आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे बना हुआ है चौराहा सीधा सरसिवा सारंगढ़ के लिए। राइट साइड है मेन सिटी की ओर, लेफ्ट साइड है कॉलेज की ओर जाता है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कॉलेज की ओर। इस रूट में आपको कॉलेज के साथ साथ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बिजली ऑफिस है देखने को मिलेगा। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ आपातकालीन की भी सुविधा है, आपातकालीन के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे है यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम है, जब मैं पटवारी का एग्ज़ाम दिलाने आया था तब मैं आया था 4-5 साल पहले। और अभी हम यहाँ से मुड़ते हैं और अभी मैं आपको ले कर चलूँगा कसडोल का बस स्टैंड है। कसडोल का जो बस स्टैंड है सरसिवा सारंगढ़ रोड पर स्थित है। चौराहा, ये चौराहा है यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। और यहाँ से आपको राइट साइड में यहाँ पे बना हुआ मैदान दिख रहा है, वहाँ पे है तहसील कार्यालय। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे है कसडोल का बस स्टैंड राइट साइड पे। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कसडोल की बस स्टैंड की ओर। यहाँ पे आपको कोई भी बस खड़ा नहीं दिखाई देगा, खाली खाली आपको स्पेस दिखाई देगा। और यहाँ पर बना हुआ है प्रतीक्षा बस स्टैंड यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक ढाबा भी बना हुआ है। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ मेन सिटी की ओर। मैं आपको जितने भी सरकारी कार्यालय वगैरह हैं उनको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी हम फिर से चलते हैं चौराहा की ओर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे दुकान वगैरह है देखने को मिलेंगे। और इस रूट में आपको काफ़ी सारे सरकारी कार्यालय वगैरह है देखने को मिलेंगे। सभी कार्यालय का जो वीडियो मैं आपको वापसी में आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर आपको राइट साइड है तिराहा है दिखाई देगा। यहाँ से आप सिरपुर है महासमुंद की ओर, यहाँ से आप जा सकते हैं। और अभी मैं आपको ले कर चलता हूँ कसडोल का सबसे बड़ा जो फेमस होटल है, वहाँ चाय और जो समोसा चाट वगैरह काफ़ी फेमस है। अभी हम वहाँ चलते हैं, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, फिर मैं आपको कंटिन्यू है यहाँ कसडोल का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ से जुड़ी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और अभी हम फिर से चलते हैं, यह जो सीधा है सरसिवा सारंगढ़ के लिए जाता है। अभी हम राइट की ओर जाएंगे, जो रास्ता है सीधा बाणापारा होते हुए पिथौरा के लिए जाता है। वैसे तो कसडोल में इस रूट में आसपास में घूमने लायक काफ़ी सारी जगह है, जिनमें कुछ है सिद्धखोल वाटरफॉल, बलाड डैम, बाणापारा, सोनाखान, गिरौदपुरी धाम, जतखाम, खुटन नाला, दसकुंड वाटरफॉल, सिरपुर, काफ़ी सारी जगह है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड है होटल आप पैराडाइज है देखने को मिलेगा। जब आप भी यहाँ कसडोल आते हैं आसपास घूमने के लिए जगह जाते हैं तो यहाँ पे स्टे है कर सकते हैं। और अभी मैं आपको जो कसडोल की बस्ती है वहाँ की ओर लेके चलता हूँ मेन गलियों पर। यहाँ को काफ़ी बड़े बड़े घर हैं पत्थरों के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा घर है बाड़ा जैसा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई है काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे आपको काफ़ी लंबी बाउंड्री है बाड़ा जैसा आपको देखने को मिलेगा। यह बाड़ा की क्या है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप कसडोल से हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। और अभी मैं आपको सामने से जो दरवाज़ा है मेन दरवाज़ा है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने से जो मेन दरवाज़ा आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। घर देखने में ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने के जो महल होते हैं उनके जैसे आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़ा बड़ा दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको कसडोल से जो जुड़ी जानकारी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। राइट साइड में आपको रंगमंच है देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो सड़कें थोड़ी सी सक्रिय है और यहाँ से आपको दो रास्ते हैं दिखाई देगा, दोनों एक ही रास्ते की ओर जाते हैं। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे एक मेन रोड है आपको दिखाई देगा। राइट साइड है सरसिवा सारंगढ़ के लिए जाता है और लेफ्ट साइड है सीधे बलौदाबाजार के लिए। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पर है चौक है, यहाँ पर आपको चौक है देखने को मिलेगा। जो रास्ता दिखाई दे रहा था वो यहीं पे निकलता है। और यहाँ पे आपको राइट साइड पे आपको बालाजी सिनेमा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टॉकीज़ है बना हुआ है। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे है कसडोल का सब्जी मार्केट है बाज़ार हाट, यहाँ पे लगता है। तो देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे बाज़ार हाट है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये रहा कसडोल का सब्जी मार्केट, यहाँ हर रोज़ है यहाँ पे सब्जी मार्केट है लगता है। और मैं आपको ले चलता हूँ पूर्व विधायक राजकुमार सिंघानिया जी के घर की ओर। यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको राजकमल सिंघानिया जी का घर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोर्ड है टंगा हुआ है राजकमल, पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया जी का घर है यहीं पे है, जस्ट गुजराती होटल के बगल में। यहाँ पर हमने कुछ चाय नाश्ता पानी पिया। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सिरपुर रोड की ओर। वहाँ कुछ सरकारी कार्यालय वगैरह है एक दो हैं, उनको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर तिराहा है बना हुआ है,
यह जो रास्ता है सीधा आप सिरपुर महासमुंद की ओर सीधा है जा सकते हैं। इस रूट में आपको काफ़ी सारे घूमने लायक जगह है, उनको मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। खोटा नाला है, दसकुंड वाटरफॉल है, सिरपुर के लिए आप जा सकते हैं। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे है पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस को आपको दिखाने के बाद वहाँ से अपन मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में पोस्ट ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम यहाँ से मुड़ते हैं, यहाँ और भी काफ़ी सारे जो सरकारी कार्यालय हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अभी हम फाइनली फिर से पहुँच चुके हैं मेन चौक पे। यह है तिराहा तिगड्ढा है, तो यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे आपको राइट साइड है यहाँ का गवर्नमेंट हाई स्कूल है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको काफ़ी बड़ा ग्राउंड है देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह यहीं पे होते हैं। यहाँ आपको गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ जनपद का नगर पंचायत है वहाँ की ओर। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड है नगर पंचायत है देखने को मिलेगा। और यहाँ से जस्ट थोड़ी ही दूरी पे है यहाँ का कसडोल का जनपद पंचायत कार्यालय भी आपको यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ आपको सामने एक ग्राउंड है दिखाई देगा, वहाँ पे जो मीना बाज़ार है वहीं पे लगा हुआ था पहले। और यहाँ पे आपको सामने आपको दिखाई देगा कसडोल का जनपद पंचायत कार्यालय जहाँ पे सीईओ वगैरह बैठते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ आवासीय घर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और जनपद पंचायत के जस्ट सामने ही आपको न्यायालय आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको न्यायालय से जस्ट थोड़ी दूरी पे आपको राइट साइड आपको तहसील कार्यालय है देखने को मिलेगा। तो ये रहा कसडोल का तहसील कार्यालय। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे बना हुआ है कसडोल का विश्राम गृह है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड है यहाँ पे आपको कसडोल का विश्राम गृह आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम यहाँ से चलते हैं घर की ओर। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।